नमस्कार सभी लोगों को, आज हम सीखेंगे कि एक यूनिटी प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप है अपने आप को गिटहब के वेबसाइट के ऊपर साइन इन कर लेना। अगर आपके पास गिटहब पहले से नहीं है तो अपने आप को साइन अप कर लीजिए इस बटन से। और जो कुछ भी वेबसाइट है उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए। अपने आप को साइन इन करने के बाद आ जाइए और डाउनलोड कर लीजिए गिटहब डेस्कटॉप। इसको डाउनलोड क्यों करना है, क्योंकि आपने जो कुछ भी फाइल्स गेम प्रोजेक्ट्स होंगे उसको अपलोड करने के लिए हम इसी का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मैक है तो उसके लिए भी ऑप्शन है और विंडोज़ के लिए भी ऑप्शन है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। आई होप कि आपने अब तक अपना साइन अप कर लिया होगा और गिटहब डेस्कटॉप भी इंस्टॉल कर लिया होगा। उसके बाद आ जाइए अपने गिटहब के वेबसाइट के ऊपर। शुरुआत में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ये अपना होम पेज, यहाँ पे देखिए होम। यहाँ से आपको बनानी है एक नई रिपोजिटरी। यहाँ से आप नई रिपोजिटरी बना सकते हो, या फिर सेकेंड ऑप्शन है इस अपने प्रोफाइल के ऊपर आके रिपोजिटरी सेक्शन के अंदर जाके एक नई रिपोजिटरी बनाना। यहाँ पे आपको एक न्यू का बटन मिलेगा, इसको क्लिक कीजिए और फिर अपनी एक नई रिपोजिटरी बनाइए। रिपोजिटरी यानी कि जो अपना गेम प्रोजेक्ट है उसी को रिपोजिटरी कहते हैं। फिर इसके अंदर कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले रिपोजिटरी नेम, इसके अंदर आपको अपना एक गेम का नाम लिखना है। एग्जांपल के लिए मैं इसका नाम एग्जांपल रख देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कुछ बेसिक थोड़ी सी डिटेल अपनी गेम के बारे में देनी होती है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पब्लिक और प्राइवेट। जब आप अपने रिपोजिटरी को पब्लिक रखते हो तब आपकी रिपोजिटरी कोई भी देख सकता है, यानी कि जो कुछ भी अपने गिटहब के ऊपर आ सकता है वो आपकी रिपोजिटरी देख सकता है। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको गिटहब अपने पोर्टफोलियो की तरह यूज़ करना है, ताकि रिक्रूटर्स आपके जो कोई भी प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे उनको अच्छे से देख पाए। उसके बाद नीचे जो प्राइवेट ऑप्शन है, इससे आपकी जो रिपोजिटरी है उसको कोई भी नहीं देख पाएगा। सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जिनको आपने एक्सेस दिया होगा अपने रिपोजिटरी को शो करने का। फिर मोस्टली पब्लिक ही रखिए। उसके नीचे ऑप्शन है ऐड अ रीडमी फाइल का, इसको भी चेक मार्क कीजिए। इसके अंदर आपको अपना जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखनी होती है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है डॉट गिट इग्नोर का, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सिंस हम यूनिटी के अंदर अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, हमको यहाँ पे यूनिटी सेलेक्ट करना है। इससे होता क्या है कि जो हमारा यूनिटी है, जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर टेम्प्रेरी फाइल्स बनती है, और उन टेम्प्रेरी फाइल्स को गिटहब के ऊपर अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है। सो उन्हीं फाइल्स को इग्नोर करने का काम ये डॉट गिट इग्नोर करता है। इससे हमारा स्पेस बचता है। उसके नीचे है हमारे पास लाइसेंस। अगर आपको बताया गया है पहले से ही कौन सा लाइसेंस यूज़ करना है, आप उसे चूज़ कीजिए या फिर नन सिलेक्ट करिए। फिर लाइसेंस के अंदर नन और फिर क्रिएट रिपोजिटरी। इससे आपकी रिपोजिटरी आप क्रिएट हो चुकी है। अपने रिपोजिटरी बनाने के बाद आपको शुरुआत में दो तीन फाइल्स दिखेंगी, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा फाइल्स चाहिए अपने गेम की। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस कोड के बटन को क्लिक करके ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप करना है। इससे हम गिटहब डेस्कटॉप को यूज़ कर पाएंगे अपने जो प्रोजेक्ट के फाइल से लोकल कंप्यूटर के ऊपर उसको अपलोड करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो इन एक्सप्लोरर का बटन मिलेगा, व्यू फाइल्स ऑफ योर रिपोजिटरी इन एक्सप्लोरर, उसको हमको क्लिक करना है। ये वो लोकेशन है जहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट को सेव किया है गिटहब के ऊपर करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, अपना जो यूनिटी है उसके अंदर हमने जो प्रोजेक्ट किया था क्रिएट, उस प्रोजेक्ट की जो फाइल्स है उनको हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए हम यूनिटी हब को ओपन करेंगे। यूनिटी हब के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर राइट क्लिक करके शो इन एक्सप्लोरर करेंगे। फिर हमको मिलेगी लोकेशन उस जगह की जहाँ पर हमने सेव किया था अपना प्रोजेक्ट लोकल पीसी पे, यानी कि हमने गिटहब के ऊपर अपलोड करने से पहले यहाँ पर सेव किया था। तो हमें ये फाइल्स मिलेंगी।
सो अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके कुछ ऐसा आपको फॉर्मेट मिलेगा, एसेट, लाइब्रेरी, लॉग्स, पैकेजेस। सो इन सभी चीज़ों को हमको कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे जो हमारा गिटहब के ऊपर जो फोल्डर बनाया था वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये कॉपी पेस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए आपको पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट हो जाने के बाद जो आपका पहला वाला फोल्डर था जहाँ पे आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर लोकली फाइल क्रिएट की थी, उसको आप क्लोज कर लीजिए, और जो अपना दूसरा वाला है उसको ओपन रख लीजिए। जो कोई नेसेसिटी नहीं है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो आप हमको बाद में काम आने वाली है। सो इसको मिनिमाइज कर लीजिए और जाइए अपने गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे आपको बहुत से चेंजेस दिखने को मिलेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर। ये जो प्लस का ऑप्शन है ये हमको न्यू फाइल्स बताता है। सो ये हमको बता रहा है कि हमने 27 फाइल्स को ऐड किया है। तो यहाँ पे समरी और डिस्क्रिप्शन हमको लिखना पड़ता है। जैसे मैं ये लिख देता हूँ, अपडेट। डिस्क्रिप्शन लिखना ना लिखना ऑप्शनल है। इसके बाद आपको कमिट टू मेन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, और फिर पुश टू ओरिजिन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपने जो चेंजेस किए हैं वो सारे शो होंगे अपने गिटहब के वेबसाइट के ऊपर। सो अगर आप जाएंगे तो आपको फिलहाल दिख रहे हैं सिर्फ दो फाइल्स। रिलोड करके देखिए, आपको वो बाकी के चेंजेस भी दिखाई देंगे। अब हमको अपना यूनिटी हब वापस खोलना है, और उसके अंदर जो हमारा पहला फाइल लोकेशन था उसको रिमूव कर देना है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमको अब बाकी के जो भी चेंजेस करेंगे वो गिटहब का जो फोल्डर लोकेशन है उसके अंदर चेंज करना है। इसलिए अब यहाँ पे हम लोकेशन डालेंगे अपने इस फाइल का। तो इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, एंटर, और आपको मिलेगा वही सेम डिटेल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे एक टेम्प नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है जब हमने यूनिटी को चालू किया, जब हमने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तब टेम्प नामक फाइल बन गई है। और जब मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज करूँगा तब देखिए वो टेम्प नामक फाइल चली गई है। इसलिए हमको डॉट गिट इग्नोर काम आता है। तो जब आप अपना प्रोजेक्ट को अपडेट करेंगे तब जो आपका गिटहब डेस्कटॉप है उसके ऊपर अपने आप यहाँ पे चेंजेस दिखाई देंगे। सो आपको यहाँ पे पुश टू ओरिजिन कर देना है इंफॉर्मेशन फिल करके। अगर आपको ये जानना है कि कोई दूसरा गिटहब का प्रोजेक्ट अपने पीसी के ऊपर कैसे लाए, और पुश और पुल की कंसेप्ट आपको डिटेल में जाननी है, तो मुझे आप डेफिनेटली पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं उसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। और अगर आज के वीडियो में से कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, या फिर पूछ लीजिए उसे डिस्कॉर्ड सर्वर पे। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।